विधानसभा चुनाव में बेहद चर्चित रहा सीधी जिला, अब लोकसभा चुनाव के संग्राम से गुजर रहा है। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाली सीधी सीट पर इस बार मुकाबला कांटे का है। दरअसल इस सीट से कांग्रेस ने एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है। चलिए इस सीट का सियासी समीकरण जान लेते हैं। बीजेपी ने डॉक्टर राजेश मिश्रा को यहाँ से टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी पेशे से डॉक्टर हैं और शहर में उनका बड़ा नर्सिंग होम है। शहर के लोग उन्हें डॉक्टर साहब के रूप में जानते हैं। दरअसल राजेश मिश्रा नर्सिंग होम कारोबार से जुड़े हैं तो व्यापारियों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। बीजेपी के सभी प्रत्याशियों की तरह डॉक्टर राजेश मिश्रा भी पीएम मोदी की लोकप्रियता, राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्रवाद के मुद्दों को उठा रहे हैं। इस सीट पर करीब 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के गोंगपा से मैदान में उतरने के बाद बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बीजेपी की अंदरूनी कलह का सामना भी राजेश मिश्रा को उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल की बात करें तो इस सीट पर उनकी काफी लोकप्रियता है। पिछले विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके पटेल एक बार फिर मैदान में हैं। कमलेश्वर पटेल ओबीसी चेहरा है जिसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। इस ओबीसी बहुल सीट पर यह वर्ग ही हार जीत का फैसला करता है। प्रचार अभियान में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को उठाकर कैंपेनिंग कर रही है। कमलेश्वर पटेल को उम्मीद है कि स्थानीय मुद्दे उनकी नैया पार लगा देगी। इसके अलावा कांग्रेस विधायक अजय सिंह पार्टी के समर्थन में जमकर पसीना बहा रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि अजय सिंह राजपूत वोटर्स को अपने पाले में ले आएंगे। हालांकि कमलेश्वर पटेल के लिए मोदी और राम मंदिर लहर को रोकना काफी मुश्किल होगा। सीधी लोकसभा सीट पर 2009 से बीजेपी का कब्जा है। सिर्फ 2007 से 2009 तक कांग्रेस के माणिक सिंह यहां से सांसद रहे हैं। इससे पहले भी इस सीट पर बीजेपी का ही दबदबा था। सियासी जानकारों की माने तो सीधी सीट पर इस बार मुकाबला टक्कर का है। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।